प्रेम की नाव कुदाव फसी, मन मोर मलाह सलाह कहाँ है। अवसर था सो छूट गया, जल आवत जात न जोर रहा है। उम्र न दे इतनी उमगे सखी, जो बन के धन जात वहाँ है। कहे महेंद्र लाज तजो सखी, जब प्रेम कियो तब लाज कहाँ है। केहू गो दवाई का गोदनवा, 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 केहू गो दवाई का गोदनवा। राधा जी सुन के बोली, अपनी के बढ़िया खोली। राधा जी सुन के बोली, अपनी के बढ़िया खोली। अब गोदन हरी बित्ता भर के लड़का बा, बाकी देख लिया बड़ होके का खतरनाक लौंडा नाच नाची। अरे ससुर ओ लड़का बा के छोड़ा, ओकरा के देखा, उ लड़किया के देखा तारा। अरे अब बड़ होके धमाल हुई धमाल, और देखिया एक नंबर के कटाह नचनिया बनी हो। ठीक है कहा तारा लोग, अरे एकनी के माई बाबू तो जिंदगी भर भीखे मांगत रह गई, अभी लोग लड़किया के ट्रेनिंग देता है, काहे की अब ओकरा पे ही आशा बा। चले चाय इनका रे नाम है, इनका रे तो जीते रहे, इतना अच्छा नाम रहे ना, चावे इन करे के खाना चला। रुक चल 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 बैजू के माई, ही हमारा अंतिम प्रोग्राम रहे, अभी कला के आखिरी विदाई देवे के बेरा आ गइल बा। जौन दर्द हमनी झेलने बानी जा, वो हम अपने बच्चा लोग के कभी ना झेले देव। हम दोनों के पढ़ाई भी लिखाई हम दूसर कुछ कर ले, बाकी बेलज वाला जिंदगी ना जी। अब पास से ना हमारी ढोलक बाजी और ना तुहार हारमोनियम, सब खत्म। पूजला आज से किशन का नया जन्म भइल बा, पुरान खत्म। लागत पगला गई बा, कहो बैजू भैया, मुखिया जी के यहाँ जाए के बा कि ना ब्याह के भोज खाए। अरे महाराज जी के टीम भी आवा था वहाँ बा, ललितवा के नाच दे के जाए के नहीं के उहे लौंडा नाच। Thank you.
साखी सूते गोड़ थारी साखी ना ए मोर सैया मिलल बा अनार साखी सूते गोड़ थारी साखी ना मोर सैया मिलल बा अनार साखी सूते गोड़ थारी साखी ना मोर सैया मिलल बा अनार साखी सूते गोड़ थारी साखी ना बार बार समझाई हक धई के सताई बार बार समझाई हक धई के चिकार साखी सूते गोड़ तार साखी ना मोर सैया मिलल बा अनार साखी सूते गोड़ तार साखी ना मोर सैया मिलल बा अनार साखी सूते गोड़ तार साखी ना मोर सैया मिलल बा अनार साखी सूते गोड़ तार साखी ना तार साखी सूते गोड़ थार साखी ना मोर सैया मिलल बा अनार साखी सूते गोड़ थार साखी ना मोर सैया मिलल बा अनार साखी सूते गोड़ थार साखी ना मोर सैया मिलल बा अनार साखी सूते गोड़ थार साखी ना मोर सैया मिलल बा अनार साखी सूते गोड़ थार साखी ना का नाम बताओ बैजू हाँ बैजू बढ़िया नाम बा कवन गांव के बड़ा ओ मछरियावा का कौन गांव मछरियावा हाँ बढ़िया नाम बा गुरुजी मछरी यावा हाँ 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 बुझा गई आवा बैठा अच्छा बतावा तुहार बाबूजी का करेलन साइकिल चलावेले
साइकिल चलावेलन? जी दिन भर साइकिल चलावेलन। दिन भर साइकिल चलावेलन काहे? कोनो भी सुरकार टूटेगा बा का? ना वो उनकर बिजनेस है, वही से हमने की परिवार चलेला। बिजनेस बा? साइकिल चलावल कवन बिजनेस बा भाई? मतलब साइकिल पर टांग के खिलौना बेचेले। अच्छा अच्छा जी। ओकरा से घर के खर्चा चल जाला? वाह। हाँ थोड़ा सा बोवे खाए भर जमीन भी बा, और बाबूजी हमके पढ़ाईयो देले बाने। हम बीए पास हैं। तू बीए पास बड़ा? तब तू कुल काम का करबा? हम करब गुरुजी, आप एगो मौका देके देखी ना। अरे नाच तो हमरे खून में बा, हम इतना नाचब इतना नाचब इतना नाचब। बुझा गईल बुझा गईल। चाहे जे हो जाए पर तू नचबा जरूर। हाँ गुरुजी, अब देखी ना बीए कैले के बाद भी कोनो नौकरी मिलल ना, और बाबूजी हमके लेके बहुत परेशान रहे। अभी थोड़ा नाच के पैसा वैसा मिली तब बाबूजी के भी हम मदद करो, बस एक मौ। ठीक बा, काल से तू ट्रेनिंग में आ जा। ठीक है गुरुजी। ठीक, प्रणाम। खुश रहो। महाराज जी, हम गईबो करीला। अच्छा, तनी सुर पकड़ी ना। बहुत बढ़िया। लौंडा काम के बाहर। काम के ना काज के, दुश्मन नाच के। खबरदार जो नाचे गावे के नामो लेलस। तोहर माई बाप बहुत कलाकारी करके देख ले ले बा। अरे भीख मांगे जिए के चाहता है? यही दिन खातिर पढ़ो ले रही? नालायक कहीं का कोनो काम न करी, नाच गाय के भीख मांगी। अरे सनक गईल बा तू। पहले सारा गांव ताना मारेला, पढ़ा लिखा के का मिलल? अब सबके सोझा नाची। नालायक कहीं का। एक बात कान खोल के सुन ला भैजू, कुल बेच बाच के पढ़ ले बानी तोरा के। आप जाके कुछ काम खोज और घर चलावे के बारे में सोच। अरे आपन नहीं तो आपन बहिन के बारे में सोच, ओकर हाथ पियर करे के बारे में सोच। अगर जे नाच गाए के प्रोग्राम भइल तो ठीक ना होई। कहे देता नहीं ना लायक। सुनतानी, नाचे गावे के कहावा तैयारी करत बाड़े? शादी ब्याह छठी बरही जहां बोलाई लोग वहीं जे जाके नाच गा दे। कलाकार बनल कोनो गुनाह बका? देखियो महेंद्र मिसिर और भिखारी ठाकुर के सपना साकार करो। अरे दुआरे दुआरे जाके काम के भीख मंगला से तो अच्छा बा, आदमी नाच गा के पैसा कमाई। तू देखिए नाच गा के इतना रुपया कमाई कि आई जितना कुल झोपड़ी है ना सब महल बना, और उकरा बाद अपना बहिन के बिया पूरा धूमधाम से करो। अच्छा, फिर जब मास्टर साहब के पता चली कि बैजुआ लौंडा नाच कर रहा था तो तुरते बिया काट दी है। हाँ, उकर बाद ढूंढत रही है आपन बहिन खातिर बढ़िया लड़का। सबके हमार ब्याह की फिक्र बा भैया, बाबूजी के एक अलावा कोनो दूसरा सपना नहीं खे आवत। तो समझ ले कि सपना साकार हो गयी, काले से प्रैक्टिस शुरू करे जाता है। सच्ची सच्ची, ये तो हम पहले से ही जानत रहे कि हमार बैजू भैया बहुत भारी कलाकार बाड़े। बुझतानी, बढ़िया से समझतानी कि तू दोनों जने का कहे के चाहता रा। हे माई, एगो बात कही सुनना सुनना। उमी सिरजी वाला गनवा एक बार गाओ ना, तोरा मुंह से बहुत अच्छा लगेला। एक बार गाओ ना माई।
ना बाबू ना, जब से तोहर बाबूजी मना कैले बाड़े हम तो गुनगुनौलो नहीं खी दोबारा। उस समय कुछ और रहे बाबू, हम उनके संगे गावत रही, अब सब खत्म हो गए बाबू, सब खत्म हो गए। केहू को दवाई हो गोदनवा, केहू को दवाई हो गोदनवा, केहू को दवाई हो गोदनवा, केहू को दवाई हो गोदनवा। भैया का करेला ऐसन फिर रुला दिला ना माई के? हम का करें रे, माई बाबू के बचपने में गावत दिखले रहनी ना, हमरे दिमाग से निकलबे ना करेला। अच्छा तू बता, जेकर माई कलाकार, जेकर बाप कलाकार, ओकरे खून में कलाकारी बा, तब तो उफान मरबे करी ना। पर जाना तरी हम के गावत देख के ना माईयो खुश होले। हाँ काहे कि वो अपना अंदर के कलाकार हमारा अंदर देखे ले। तोहरा के बेसी ट्रेनिंग के जरूरत नहीं के बुझात, पैदाइसी नचनिया भाड़ा। चला अगला प्रोग्राम खातिर तैयार रहिया। ठीक बा महाराज जी। महाराज जी हम गईबो करब। हाँ जरूर जरूर। और भैया कैसन रहल ट्रेनिंग? अरे का ट्रेनिंग, महाराज जी कहले कि हमके ट्रेनिंग के कोनो जरूरते नहीं के, काहे कि हम तो फलदाइजी कलाकार हैं। अरे ये तो हम पहले से ही जानत रहनी। अरे हाँ बाबूजी पूछत रहन कहा बाबा कलाकार। अच्छा तो तू का बोलू? उ अरे का बोली, हमें ही कहानी हाँ कि काम ढूंढने गए बा। ए बैजू, ये जो तहरा भीतर कलाकारी फड़फड़ा रहल बा ओकरा के शांत करा। तू सर काम धंधा खोजा, तू तो जानत बाड़ा तोरा बाबूजी के ई सब बिल्कुल पसंद नहीं खे। तोहार बाबूजी तहरा से ढेर असरा लगा के बैठल बाड़न। असरा लगल रहे दिमाई, काहे की भरपाई जल्दी होके वाला बा। हाँ भरपाई जल्दी होके वाला बा। Bye.
अरे ऐसा कौन काम करा था बैजुआ जो घर आवे के फुर्सत नहीं खे है? चंदा, अरे चंदा सुनाई नहीं खे देत कुछ पूछा था नहीं कौन काम करत बा बैजुआ अब अपने आई तब बताई अरे बीए पास बा कौन बढ़िया काम मिलल हुई और का कई दिन से देखा था नहीं कबो दिन में गायब तो कबो रात में ड्यूटी ऐसा कौन चाकरी करे लागल बा हा? तारा पूछे के ना चाहिए ओकरा से हाँ हाँ ठीक है पूछ ले चल खाना खा रुका तू दोनों माई बेटी कान खोल के सुन लई बात ऊ जब आई तो ओकरा से एक बात साफ साफ बता दिया हमार मर्जी के खिलाफ ई नाच गाना के चक्कर में पड़ल तो ठीक ना होई बताए देता नहीं चल कारे भोज के दिन तक कोहरा रोपल सुन ले रहे आज ब्याह के दिन निमंत्रण बांटल भी देख ले तोरा के क्या लगा था हम भैया जी नहीं चपरासी बनी का रे भैया जी ई बात खातिर हमरा के क्षमा कर दे लड़की के ब्याह बा रउआ लोग आए तो हमार इज्जत बढ़ जाये सर समाज में ई देखी ललनो बाबू के भी यही बेरा न्योता देवे जाता नहीं ए, ललनुआ उलनुआ के बात हमारे सामने मत करा समझना ना अच्छा ये बतावा कि ब्याह में कोनो प्रोग्राम उराम के सट्टा केले वाला की ना ब्यास जी के सट्टा दियाइल बा भैया जी अब रउआ लोग के खुशी के खातिर हमरो कुछ करे के चाहिए नू यही सोच के कलुआ ब्यासी के टीम में ललित बाबा ना जी भैया जी हाँ ब्यास जी बतावत रहन आपकी कौनो नयका आइटम बा पार्टी में नयका आइटम बा लाबा लाबा चल न्योता मंजूर भाई जी भैया जी कलुआ चल देखल जाए कि नयका आइटम में कितना दम बा और सुन पता कर ललनमा जाता कि ना हैं जी भैया जी देख बिटिया के ब्याह बा ये खाते तार न्योता स्वीकारा तानी न तो कोनो तरीका नहीं खे कि ब्याह के दिन तू न्योता देवे ठीक है बिटिया के आशीर्वाद देवे खातिर हम आ जाए लेकिन एक शर्त पे कि हमार कुर्सी नाचे वाले के ठीक सामने हुए के चाहिए और भैया जी के तो आस पास भी ना या तो ओकरा से आगे या ओकरा सामने बुझले जो ए मालिक जल्दी जल्दी चलल जाओ न तो भैया जी के कोनो भरोसा नहीं के सब जगह छेक लिया जा मालिक हम तो कहता नहीं जल्दी जाके अपनी जगह धाय के बैठ जाइए अरे चुप बुड़बक केहू कहूए बैठे लेकिन ससुर नाच तो हमरे बंदूक के नोखे पे हो Oh,
मुंगूरी में डोसले पिया नगिनिया रे नंदी पिया राजा राधा सहरिया रे ननदी पिया राजा राता हाँ अंगोरे में डसले पिया नगिनिया रे ननदी पिया राजा राता अंगूरी में डसले पिया नगिनिया रे ननदी भैया के बोलाता अरे इतना सन्नाटा का है भाई रे बजुआ रे अरे तनी ठुमका लगा के नाचना रे नाच अरे बजुआ अरे ससुरा नाच नाच ससुरा नाच दहिया जैसे जल बिन मछरिया रे तड़पे लदहिया जैसे जल बिन मछरिया रे रेंगनी के कांट भइल से चरिया रे ननदी भैया के बुलाता कारे बेजुआ तहरा के हैं हम नाचे खातिर बोले बोले रहे गावे खातिर ना अरे नाच अब सकार निके मालिक हम थक गए नहीं अब हम ना नाचब थक गईले आओ एने अब बैठ और सुस्ता आई बे अरे आओ 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 बड़ा सुंदर बने अंगूरी में डसले पिया नगिनिया रे
नदी भैया के बुलाता हम गोरे में डस ले बिया ने किनिया रे पार तनी को ठंडा नहीं खेत तनिया गरमा गए होई जा दूसर ले आ माई भैया के डॉक्टर बेड़ी ले जाए के पड़ी केहू कब बुला लिया ही ले जाए खातिर के आई अकेले के जाए गांव टोला के लोगन में तनी को इंसानियत बचल रही था हमार बाबू की ई दुर्दशा ना हो हजार दो हजार लोग जुटल रहे नाचने के खातिर उकनी सो जा राक्षस हमरे बाबू पर इतना अत्याचार कैलेस क्योंकि हिम्मत भय लोकरा रोके के हाँ बाबू बुआ बाबू हाँ तू ठीक है आराम से आराम से आराम से का भल चंदा भैया तू बेहोश हो गए रहा यहाँ के लिए गए हमनी दोनों और के लाए बाबूजी खैर करा कि सार से लौटे ले नहीं खन लौटी हैं तो पता ना का होई तोरे भैया के आखिरी प्रोग्राम है बाबूजी अपन मेहनत के कमाई लगा के हमरा के पढ़ावत रहे लेकिन हमार मन नाच गाना में लगत रहे बचपन से हमार सपना रहे कि हम बहुत बड़ कलाकार बने भिखारी ठाकुर जी के विधा के आगे बढ़ाए अपने गांव जिला जवाहर के नाम रोशन करी लेकिन बाबूजी सही खतरा ले कलाकार बन के हमके कबो इज्जत ना मिली चंदा हम बहुत दिल से नाचत रहे और सब लोग ताली बजा के हमारा स्वागत करता है हमारा के लगा क्या कलाकार बन गए हमारे पैर सिलाई मशीन की तरह घुंगरू के साथ थिरकत रहे माए लेकिन लेकिन छोटी सोच के लोग नीच करम कलाकार के इज्जत ना कर सके ललो और जो नाकाम इज्जत नहीं खेना काम हम के नहीं के करेंगे माई वो काम हम के नहीं के करेंगे हाँ बाबू
जौन काम में मान सम्मान ना हो वो काम कभो न करे के चाहिए। तो दूसर काम ढूंढा और ये अपन घर बसावे के सोचा। हम अपना खातिर ना माई, हम अपना बहन खातिर नाचत गावत रहे। हम सोच ली कि नाच गा के बड़ कलाकार बन जाए तो बहुत पैसा कमाए और अपने बहन के शादी धूमधाम से करा। लेकिन चंदा अब तोहर भाई हार गेल बा। हम फैसला कर लेले बानी आज के बाद, आज के बाद भैजू कमो ना नाची। बजावा। अरे किसान देख ले है तोहार बेटवा कमाल का नाच करत मर्द है। लौंडा बनकर ऐसन नाचत गावत बा, ऐसन नाचत गावत बा कि बड़ बड़ लौंडिया शर्मा जाता थई थई था। अब बाकी लल्लन बाबू और भैया जी के आन के लड़ाई में पिसा गईल। बेचारा के साथ बहुत जुलम हो गई, भारी जुलम हो गई। घर परिवार के इज्जत माटी में मिलाई के बेचारा दुई पैसा कमाए खातिर लवंडा बनल ओकर ही गति हो गई। जौनो भइल ठीक ना भइल। ना ना जौनो होके बाकी ई सब चक्कर में फेमस हो गइल बैजुआ। हर तरफ चर्चा करम बा। अरे चाचा पैसा नाच गा के पैसा कमाए चल रहा इज्जतो नसा गई। आपन तो आपन सार घर जवान सबके इज्जत बर्बाद कर देलन। जवान बहिन घर में बैठल बिया ओकरा बारे में तो सोच ली। लवंडा बदनाम हो गई। लवंडा बदनाम हो गई। हाँ सर नमस्ते, हम बैजू बोलत नहीं सर। हाँ सर आपसे बात भेज लेना काम खातिर के हमके काम दे दी सर। हम बहुत मेहनत करब। एक्सपीरियंस तो कोनो नहीं के सर लेकिन हम कर लेब सर। बस आप हमके एक मौका देना सर। कौनो मौका ना मिली तारा। मुंह दिखावे लायक नहीं के छोड़ला तू हमनी के। इज्जत नीलाम करवा देला गांव टोला में यही दिन खातिर तारा पढ़ावले लिखावले रानी ना लायक यही दिन खातिर। अरे काम ढूंढे के बदले लौंडा नाच करे गई रहला मना कैले रहनी ना तारा के। घर में जवान बहिन बिया ओकर ख्याल ना आइल। मास्टर साहब के पता लगी तो का सोची है फोन करी ओकरा के साथ शादी। जौन घर के लड़का लड़की बन के नाची ओकरा घर में कौन शादी ब्याह करी। अरे नीचे का देखा ताला। चल निकल यहाँ से निकल निकल यहाँ से निकल भैया। और आज के बाद तू हमरा खातिर मर गईला। रवा ऐसे काहे बोलता नहीं आज से बैठ तू मत बोल। बता देता नहीं आज के बाद घर में ही रही या हम। चल चल निकल तू निकल। तू जा ब्यास जी के पास उनकरे तलवा चाट उनकरे साथे नाच का। निकल चल निकल निकल यहाँ से निकल।
बाबूजी। बैजू, हम तो कला के पुजारी बानी। ये कला के परखे वाला लोग बहुत कम हो खेले। ये तो हमनी के मजबूरी बा कि आपन कला के जिंदा रखे खातिर ओके हम बेच देवे नी चंद रुपया खातिर। और इहो जाने की कोशिश ना करी कि इके खरीदे वाला कवन बा। बैजू, कल जे भइल बहुत गलत भइल। अरे दो दबंग मिल कई के एक निरीह कलाकार के ऊपर अपन मर्दानगी दिखाई ले, ये बहुत शर्मनाक बा। यह कारण हा कि लौंडा नाच जेकरा हमेशा सगुन के रूप में जानल जात रहे वो आज अपन समाज से विलुप्त होखल जाता। बचावे के बहुत कोशिश कई नहीं लेकिन मुश्किल बुझाता। का करल जाओ, तोरा के नाचे के मौका का देनी उ ललितवा आश्रम छोड़ के अपन घर चल गई। तो रावल ओकरा के इतना बुरा लागल कि वो कसम खा लेलस कि वो कब्बो न नाचे। अरे उ ललितवा के साथे कितना बेर गलत भइल बा। बैजू, तोरा से हमनी के बहुत उम्मीद बा। हमनी के लागे लागल कि ही कला एक बेर फिर से जिंदा हो जाए। आपन बिहार में ही ना, पूरा भारतवर्ष में भी ना, सारा विश्व में तू आपन नाम कमाई बा। बाकी जैसे सोच ले रही वैसे ने होखे, ये जरूरी तो नहीं के। बैजू, ये आश्रम के तू आपन घर समझा। तोहार बाऊजी के गुस्सा ठंडा हो जाए तब हम उनकरा से बात करब। ना करो जी, बाऊजी से अभी कोनो बात नहीं के करेंगे। बाऊजी से तब बात करेंगे जब कुछ बन जाए। उनकर भी कोनो गलती नहीं के, उतर हम किर थबरिया भी देते तो हम के बुरा ना लगे। गलती तो सरासर समाज के बा, अभी समाज के कुछ बन के दिखाई, कुछ करके दिखाई। ससुरा बजुआ जाके ओकरा के गोद में बैठ के जाके ललनमा के गोद में, हमार तो इज्जत चल गई।
अरे उतर, गलती से आसमान में चल गई फायर, नहीं तो उड़ा सीने में ठोक देती गोली ससुरे के। बाउर तो हमरा भी बहुत लागल माली। अरे हमरो के भी मन में आयल कि सरवा के गर्दनवा पकड़ के हट 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 मारो एक थप्पड़ मुहे लाल कर दे। हमर गर्दन तो निकाल है, वहां तक कुछ निकल है। तू सब ना मर्द गए के। ए बलुआ, अब बजुआ के नाच जो है ना अपन दरवाजा पे होके का चाहे। ठीक बा बाली, जरा पता करिए तो कहाँ बाटे वो। बाबूजी, 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 खाना खा ली? रहे दो, भूख नहीं के। अब ऐसे भूखले रहे से कैसे काम चली? हाँ भूखे ही जाए। कहीं जाइयो के मन करत का? चंदा हाँ अब जॉन हो गए बा, ओकरा के दिल पे धाके काहे बैठल बानी? सब कुछ भुला के आपन काम करी। वही भुलावे के कोशिश में लागल बानी, बाकी कौनो काम में मन नहीं खेला गत। हमरा पता बा, बैजुआ के दिलो जान से चाहेला रउआ, उहा त रउआ के भगवान मानत रहे। रउआ के कौनो कुसूर नहीं खे, और बैजुआ भी का करित, काम नहीं खे ढूंढले। उ कितना जगह गइल, बाकी नौकरियों तो मिले के चाहिए। ऊपर से रउआ बीए पढ़ा देनी, अब इतना पढ़ लिख के कोनो मजदूर की नौकरी ना नू करी, और कछु काम ढंग के मिल जाए तो करिए ली हित। बाबूजी, रोटी सब्जी के संगे पानी राखल बा, जरूर से खा ले। गेले रहे बेजुआ, रवा के आवे से पहले हमरा से कहत रहे कि कबो ना नाची गाई, अब काम करे, खाली काम। होकरा के अपने कहला पे बहुते पछतावा रहे, हरे काम खातिर सबके फोन लगावत रहे। तो तू हमरा बतौलो है का ना? रवा कबो कुछ सुनत रही, वो फोन पर बतियावत रहे और रवा औते शुरू हो गई नी। जाने लू बैजू के माई, ओकरा जाए के बाद हमरो कौनो काम में मन ना लगत बा। बड़ा उम्मीद रहा बैजुआ से, दिन रात मेहनत करके ओका पढ़ोले रही, कुछो बड़ा काम करी, हमार नाम आगे बढ़ाई। अब कितना दिन हम पुरान साइकिल में खिलौना बेचत रहा, सोचले रही कि बैजू कुछ हो करी तो घरे में बहू ले आई, चंदो के हाथ पीर कर दे। अरे त
तब आप कहाँ मार समय पार हो गए बा? बुला ले वापस बैजुआ के, कहा तो वानी कि वो ना नाची। खुशखबरी बा, बाबूजी के माई मना लेनी। अब तू जल्दी से करे लौटावा। जानत रहा माई का बोल ली? माई बोल ली बैजू काम करे चाहता, वो अब कभू नाच गाना ना करी। भैया बाबूजी बहुते चाले तोरा,
हम अपन कान से सुननी कहत रहलन बड़ी उम्मीद रही बैजुआ से। भैया अब तो जल्दी से आजा, माई बाबूजी खुश हो जाइयन। हेलो भैया, अरे बैजू, ए बैजू। हाँ गुरुजी। ओह, कुशवाहा जी के निमंत्रण आइल बा, मंत्री हवन कला संस्कृति विभाग पटना में। अच्छा, सरकारी कार्यक्रम बा, बड़ बड़ लोग जुटियन, पत्रकारों सब रही हन, तैयारी करा और ऐसन कुछ करे के बा कि आगे के रास्ता खुल जाए। नमस्कार महाराज जी। महाराज जी के प्रणाम। महाराज जी, अरे बैजुआ के किस्मत एकदम चचरा गई बा। अरे भैया जी तो एकरे डांस पे दीवाना बन गई बा। बुलावा भेजले बाड़न बैजुआ के खातिर। अरे स्पेशल प्रोग्राम अपने द्वारी पे रखले बाड़न। आप चली और आप अपना टीम के लेके पधारी के कष्ट करी। ओह, बैजुआ से पूछे के पड़ी। बैजुआ तो सोझो है बा, पूछ ले। बैजुआ के तो किस्मत खुल जाई। का रे बैजुआ, का सोचत बाड़े? महाराज, हम अब सोच ले बानी कि अपना कला के सस्ता लोग के सामने ना बेचम, बल्कि अपने कला के प्रदर्शन करम उ लोग के सामने जेके कला के कदर होगी। भले हम एगो लौंडा नाच करे वाला साधारण लड़का नहीं, लेकिन आपके शागिर्द बन के अब हम कलाकार बन चुकल बनी, और अभी कलाकार के केहू खरीद ना पाई और ना ही अब केहू के इशारे पे नाची। अब हम सोच ले बानी, हमार सुरताल हमरे मर्जी से लगी, केहू के बंदूक के नोक पर ना, और अब हम भले भूखे मर जाए लेकिन पैसा खातिर केहू के अपन अपमान ना करे दे। इता ना जाई है का हमर बोलाबा के ठोकरा दलस? तू कौड़ी के लंडा नाच करेवला बेजुआ के इतना हिम्मत? ससुरा भुक्ति, भारी भोगान भुक्ति। बचपन बीतल नहीं भइल नहीं उमिरिया हमार, कुछ दिन नहीं हरम में खेला हूँ ना पानी बाला चोरी रे, सैया मांगे गवाना हमार बाला चोरी रे, सैया मांगे गवाना हमार बाला चोरी रे, अरे सैया मांगे गवाना हमार। सगुनामा के दिन धरी देला, दिन धरी देला रामा, दिन धरी देला। पापा नानी गोरा मोरा बड़ा दुख देला, उहेरे सगुनामा के दिन धरी देला।
लाली लाली टोलिया के सब जियो हर बल चोरी रे लाली लाली टोलिया के सब जियो हर बल चोरी रे सैया मांगे कबाना हमार बल चोरी रे सैया मांगे कबाना हमार बल चोरी रे सैया मांगे कबाना हमार जिले अइले अपना अंगनवा अपना अंगनवा हो अपना अंगनवा नाही मोरा लूर ढंग नाही रे गहनवा नाही रे गहनवा हो नाही रे गहनवा सैया जिले अइले अपना अंगनवा नाही मोरा लूर ढंग नाही रे गहनवा कहत महेंद्र मिश्र माने न गहनवा बला चोरी रे कहत महेंद्र मिश्र माने न कहनवा पल चोरी रे सैया मांगे कबाना हमार पल चोरी रे सैया मांगे कबाना हमार पल चोरी रे अरे सैया मांगे कबाना हमार कला का सम्मान ही एक कलाकार का सही भुगतान है और इसी से कलाकार को संतुष्टि मिलती है। जब भी किसी कलाकार के कला का सम्मान होता है तो उस कलाकार का अपने कला के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। मैं अपनी कला को अपने माता पिताजी को समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ भी सीखा है उनसे ही सीखा है और अब इसको समझने का प्रयत्न कर रहा हूं। अगर जनता जनार्दन का प्यार आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलता रहा तो मैं इस विधा को जीवित रखने में जरूर कामयाब होऊंगा। कलाकार को स्नेह और प्यार मिलना चाहिए, तभी हम लोग महेंद्र मिश्र जी और भिखारी ठाकुर जी के सपने को साकार कर पाएंगे। सर आपने इस कला को क्यों चुना? बैजू जी आप यहाँ तक पहुँचे आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर आपको इस कला को अपनाने में बहुत परेशानी आई होगी, उसके बारे में बताइए। गांव के गरीब परिवार में पला बड़ा बैजू भोजपुरी लोकगीत के साथ लौंडा नाच को देश विदेश में ख्याति दिलाने को अग्रसर है। लौंडा नाच को एक अलग रूप में प्रस्तुत करके बैजू ने इस कला को बहुत बड़ा सम्मान दिलवाया है। बाबूजी, बाबूजी ये देखा, माई माई भारी आवा, बाबूजी ये देखा बाबूजी, माई अरे माई भारी आवा जल्दी। अरे का हो गए, काहे चिल्लात बाड़ू? अरे माई ये देखी का छपल बा ली पड़ी, देखी अपन भेजो हमार भैया कहाँ निकल बा तेरी पढ़ा था। कला का सम्मान ही कलाकार का भुगतान है, कलाकारों को भीख नहीं प्यार चाहिए। मच्छरियावा गांव का लड़का बैजू ने अपने कलाकारी से सबको मंत्रमुग कर दिया। लोगों ने कहा कि एक दिन बैजू अपने देश का नाम रोशन करेगा। बैजू ने अपने अंदर इस छिपे प्रतिभा का श्रेय अपने माता पिता को दिया है, जो जो काफी पहले गांव में घूम घूम कर पूर्वी और विदेशिया गाया करते थे। हुआ सही कह रहे, वहां प्रोग्राम करके मजा आ गई। पहली बार पता चलल कि जब कलाकार के सम्मान मिलेला तब कैसन महसूस। चला अब तू आपन बाऊजी से बात करा।
ऐसे अपन परिवार से अलग रहल कोनो ठीक बात नहीं के। कहे महाराज जी, रहुआ भी ता महाराज जी कबो पूछे के मौका ना मिले रहुआ और राउर परिवार के बारे में। माँ बाबू जी के गुजरला के बाद बस ही कलाकारी में ही जीवित हई। ई घर के हम अपन आश्रम बना लेनी, ये कहा कि ई आश्रम के ही अपन घर बना लेनी, बाकी तू ना घर बसावे के सोच बैजू, घर उजाड़े के ना। तू कहा त तारा लागी जोड़ी ढूंढी। का महाराज जी, हमरा से कौन लड़की भी आ गई, लौंडा डांस करे वाला लड़का के क्या पंदाबाद बनाई। केहू दामाद बनाए ना बनाए, पर केहू पति जरूर बनाए। जेकरा के ओकर घर वाला ही घर से निकाल देले होके, ओकरा साथे घर बसावे के बारे में केहू का सोची। सोची, जरूर सोची, बस तू समय के इंतजार करा। कली मास्टर साहब भिड़ी जाए के पड़ी। काहे का हो गए अचानक? अरे बिनती करब उनका से, चंदा के ब्याह के ले जाई। पता बा उनका घर में चंदा सबका बहुत ही पसंद बा, लड़कों की ट्रेनिंग चालू बा, जल्दी नौकरियो लाग जाई। हमनी के कुछ हो करके चंदा के ब्याह करे के बा बस, वरना ही बैजुआ इज्जत के सत्यानाश कर दे ले बा। केहू के पता लाग जाई तो कौन ई लौंडा नाच करे वाले के घर में ब्याह शादी करी। बस जल्दी से ब्याह हो जाए। तू अपन गहना निकाला, थोड़ा बहुत खेदबा वो बेच दे, फिर जल्दी से ब्याह करके बेटी के विदा करे के बा। अरे चला तू ब्याह के तैयारी करा। इतना सब कुछ जल्दी कैसे होके? अरे हो जाए, सब हो जाए, ऊपर वाला सब कुछ करी, कहीं नहीं नू, तू बस ब्याह के तैयारी करा। हाँ हो जाए। हम नहीं के कहत के राउर चिंता जायज नहीं के, बाकी हमरो भी तो समाज में मान सम्मान बा। अब हमरा बेटा के राउर बिटिया पसंद बा, हमो ही ब्याह खातिर तैयार बने। बाकी ई बात के ख्याल रखब, ये शादी बैजू के बिना संपन्न हो जाए। हमार भरोसा करी मास्टर साहब, सबके पता बा कि हम ओकरा कबे के घर से बेघर कर चुकल बानी। हमनी के कौनो रिश्ता नहीं खे। रउआ तो बस बारात लियावे के तैयारी करी। हेलो हेलो भैया। हाँ बोला चंदा। भैया भैया बाबूजी हमार ब्याह कराओ ताड़े। किकरा से? वो है मास्टर जी के लड़का अंश से। लड़का तो अच्छा बा, हमू तो ये चाहत रहे कि तोर ब्याह वही जे होके। तो ब्याह में तू ना आई बा का? भैया कैसे हो करके घरे आ जाइया। तू ब्याह में ना आई बा तो हमरा अच्छा ना लागी। भैया कुछ हो करा, पर शादी में जरूर रहिया बस। देखो भैया बाबूजी कुछ हो बोलस, तू चुपके से आ जाई है तोहरा के हमार कसम बा, आइया जरूर। बड़ी मुश्किल से मास्टर साहब तैयार भइल बड़े ब्याह खातिर। हमऊ समझई नहीं उनकरा के बैजू अब हमार परिवार के कौनो हिस्सा नहीं खे, तो कहलन कौनो कीमत पे बैजू ब्याह में ना आए, एकर ख्याल रखी। अरे बिटिया बहुत बड़ी हो गई। आ बिटिया नमस्ते, आओ बेटा। और सब ठीक बा? अरे बउआ सब ठीक बा? चले आओ आओ।
आइल की ना बारात पहुँचे वाला बा। नंदुआ बतावत रहे कि बाराती खूब सज धज के आइल बाड़न जा, बहुते कार जीप लेके। हाँ, अच्छा। हाँ, चंदा सुना? अरे है देखा, अब ये से रोवे धोवे लगलो। एकरा खातिर ना बहुत टाइम बा, विदाई के टाइम मन भर के रो लिया, समझ लो। हाँ बेचू भैया फोन नहीं। चंदा सुप्रिया बेटी नाम मत लिया होकर, सब बर्बाद हो जाए। बड़ी मुश्किल से ही रिश्ता हो रहा बा, लड़का वाला इज्जतदार परिवार से बा, उनकरा के पता बा कि अब बैजू से हमनी के कोनो संबंध नहीं के, बैजू ही घर से निकल चुकल बा। अब अपन सकल सुधारा, बरात आ गई बा। जल्दी करा तू सब। आई मास्टर साहब। किशन जी रवा मालूम बाटे ना कि ये ब्याह कौना शर्त पे तय भल रहे? रवा हमरा से झूठ बोलनिया, वो लौंडा नचनिया बैजू कबो ये घर से अलग ना भेज रहे, और ना रवा ओकरा के कबो एक घर से बेदखल कह ले बानी, वो ये घर के हिस्सा रहल बा और अभियो बा। ई का कहा था नी संधि जी? संधि जी नहीं है कहीं तो अच्छा रही। अब अरे राउर बेटी हमार बहू नहीं के बनल, ये बरात वापस जाए, ये ब्याह नहीं के हो सकत। बाबूजी का भाई रुआ ऐसा करब? बाबूजी देखिए कुल ठीक नहीं है, हमने के दापन घर खातिर बहू चाहत रही ना, और अगर ये ब्याह ना भइल तो हमने की इज्जत बर्बाद हो जाए। अरे अगर ये ब्याह हो गई तो हमारी इज्जत नीलाम हो जाए, तो चुपचाप जाके गाड़ी में बैठा। ये ब्याह ना हुई ये हमारा आखिरी फैसला बा। मास्टर हम बर्बाद हो जाए मास्टर साहब, हम समाज में का मुंह दिखाई, विश्वास करी रहो रहा हमनी के, हम कहते नहीं ना तक केहू से पूछ ली। बैजू कई महीना से यहाँ नहीं खे रहा, हाँ ओकरा संग हमार कौनो रिश्ता भी नहीं खे, विश्वास करी हमनी के। तो फिर ऊ के बा जे राउर घर में राउर बेटी संगे मौजूद बा? हाँ के भाऊ भैया, अगर तू ना आई था तो हम तोर हके कभू ना माफ करती। अरे पगली कही तो हमारे बहन हो तू, हम तुम्हारे शादी में कैसे ना आई थी, कैसे नाराज करती तो के? नाराज तो तू कुल बराती के कर देला, बताना कौन जन्म के बदला ले ताड़ा। लौंडा नाच करत करत मन नहीं के भरल तो आ गईला अपन बहन के डोली रोके, अरे लौट गई बरात। भैया दरवाजे से बारात लौट जाए, वो लड़की के काल हुई, गलती हमारे मास्टर साहब,
सजा देवे के बाद हमके दी मास्टर साहब, अरे बहन के ना मास्टर साहब, अरे हम तो एक घर से बेघर हो चुकल बानी, और वो हमके कसम दे दो कि भैया भैया एक बार मिले आ जा तब चोरी से उसे मिले आगे नहीं। मास्टर साहब हम आपसे वादा कर रहे नहीं कि हम बहुत दूर चल जाए और लौट के कभी भी हम यहाँ ना आए। मास्टर साहब हमरे बहन के कोनो कसूर ना। मास्टर साहब ओके माफ कर दी करी मास्टर साहब, और बारात वापस ले चले। हम आपके आगे हाथ जोड़े तारी मास्टर साहब। चला मास्टर साहब। ए बैजू, जौन होवे के रहे हो गई, ऊपर वाला के कुछ और मर्जी होई। तू मजबूत इंसान बड़ा, फाइटर बड़ा, ऐसे रोवल ठीक नहीं खे। आपके कलाकार नहीं करवा महाराज, एगो बहन के अभागा भाई रोत, पता ना हमार बहन कोने हाल में होगी। चवन भाई ठीक है भाई, जोन परिवार भाई बहन के अलका करे, दुआरी पे आके बाप के पगड़ी उछाले, वो परिवार के बहु बने के हमरो कोनो शौक नहीं खे। खैर बाप भगवान हमरा बचा ले ले। बाबूजी रवि कहत रही नू कि भीख मांगला से कुछ ना मिलेला, कुछ करे के बाद अपने आप के उ लायक बनावा, पर रहुआ तो फिर से चल गई रही मास्टर जी की आप भीख मांगी, देख लेनी नू का मिलन। बाबूजी परसों पहले रहुआ कवन कसम खाइल रही, खेकरा खातिर खाइल रही, अपना बेटी के खातिर नू तेरा ज उही बेटी के ऐसन पेशला से रवा के सुकून मिली का। बैजू भैया घर के सदस्य रहलन और रही है, जेकरा हमरा अपनावे के बा हमरा अपनाई, एही रूप में जैसन हम बानी, हमरे बदले के जरूरत नहीं के। दौरा पड़ल हाँ का? महाराज जी के दिल का दौरा पड़ल वहां। महाराज का हो गई? ए गाड़ी बुलाओ, लोग ले चला हॉस्पिटल। ना बैजू ना, अब हमरे पास समय नहीं के बेटा, हमार आखरी इच्छा बा लड़की के अपन धर्म पत्नी बना के ले आईया, और आश्रम के बहू बना के रखिया।
एकरा में ओकर पता लिखल हा। उतार इंतजार करती हा। भेजो महाराज। निमंत्रण ठुकरा दे ले। कम से कम अपन ब्याह के निमंत्रण तो हमरा के भिजवा देता। का रे का लगल तहरा के का तहार ब्याह में हम आ जाती तो तहार मौगी के छीन लेती तहरा से। भैया जी कम से कम आज तक हमरे इज्जत के ख्याल करी। हम तो तहार इज्जत बढ़ावे खातिर आयल बानी। चला कोनो बात ना, अब तू ब्याह करिए लेला तनी कनिया के हम मुंह देखाए कर ले। भैया जी ऐसे कहा यहाँ सड़क पे करता नहीं। हमरा बारे में ना तो कम से कम तनी ओकरा बारे में तो सोची। उ का सोची ठीक बा ना, जाके ओकरे से पूछ लेता नहीं कि का सोची है। तनी कनिया के मुंह दिखाई कर लेता नहीं। ए, अब पट से बाहर आईबू कि अंदरे घुस के हमरा तहार दर्शन करे के पड़े। तनी हम हूं तो देखी कि लौंडा नाच के वाला बेजुआ से के ले की ब्याह के ले बिया। अरे का नाम बा तोहरे? झुमरी, झुमरी नाम बा हमार। हम ब्याह कैले बानी लकर ला। मुंह दिखाई के रसम पूरा बहुत शौक रहे ना हमार दर्शन करे के। ए, ए, हटा बंदूक। अरे हटा ना। ए, तहरा मालूम नहीं खे कि तहरा सामने भैया जी खड़ा वालन कोई मामूली गांव वाला ना। ना तो ये बंदूक हटी ना हम। जिंदगी से प्यार होके तो अपन चमचम के साथ निकल जाए यहाँ से। तू टके की लड़की, तू भैया जी से मुंह लगावती है। खबरदार, अगर हमरे मेहरारू के बारे में एक शब्द भी गलत बोला था ना, निकला यहां से। आज पहली बार लागल है कि केहू हमरे साथ खड़ा बा। आज पहली बार एहसास भइल कि हम मर दे लौंडा नाच करत करत। हम तो अपन मर्दानी ये भुला गए रहनी। शायद यही से कहल जाला कि हर मर्द के सफलता के पीछे एक औरत के हाथ होला। जौन सम्मान आज तू हमके दियो लुआ हम जिंदगी भर न बुलाए। आज से राउर पैर सम्मान के साथ थिरकी। ओकरा में बांधल घुंघरू की आवाज खाली बिहार ना पूरा दुनिया में सुनाई दी। माई जन्म देती हमरा के छोड़कर चल गई ली। कहे के तुम्हारा जी हमार बाबूजी रहलन। बाकी बेटी होके के सुख हमरा कभू ना मिलल। बाबूजी ना चाहत रहलन के हमरा के केहूं लौंडा नाच करे वाला के लईकी जाने। यही खातिर हमार पालन पोषण नानी की यहां भई। नानी हमार सब कुछ रही। हमरा के पढ़वली लिखवली बड़ा कैली। बाकी नानी के गुजरला के बाद हम बहुत ही अकेला महसूस करे लगनी। तब रउआ आई नहीं हमार जिंदगी में।
हम हमेशा छुप छुप के रउआ के नाचत गावत देखत रही। बाबूजी हमेशा फोन करत रहन और रउरा बारे में बतावत रहन। उ चाहत रहन कि रउआ बहुत बड़ कलाकार बनी। आ फिर हमनी के ब्याह करवाई है। अब अचानक वो दुनिया से चल गईलन। बहुत बड़ जिम्मेवारी छोड़ के गईल बाड़े रउआ ऊपर और हमरा ऊपर भी। जी सर, हाँ मैंने आपको मेल किया, एक बार आप देखिएगा। जी थैंक यू सो मच। का जुगाड़ लगाओ तरो? जुगाड़ ना, प्रोग्राम फिक्स कराता नहीं। बहुत बड़ी इवेंट मैनेजर से बात हो गई बा। ई देखी एगो आवरी कंफर्मेशन आ गई। अरे ये सब के का जरूरत बा? बा बहुत ही जरूरत बा। राउर अंदर जौन कला कुट कुट के भरल बा, वो पूरा दुनिया के दिखावे के बा। कला के विरासत को आगे बढ़ाता हुआ एक छोटे से गांव में पला बड़ा गरीब परिवार का लड़का अपने सपनों को पूरे देश में साकार करने में लगा हुआ है। पिछले एक साल में बैजू ने हिंदुस्तान के लगभग सभी बड़े शहरों में अपनी कला का प्रदर्शन कर बिहार के इस लोक कला को अलग मुकाम पे पहुंचा दिया है। यह हाल रही तो जिंदगी भर खातिर बिजी हो जाइब हम। जब से भी आ भइल बा बहरे बाहर घुमावत आरू। कुछ ही महीना में पूरा भारत के दर्शन करा देलो। अब लंदन से इनविटेशन आइल बा, लोक कला के फेस्टिवल हो रहल बा, पूरा दुनिया से कलाकार जुटी हैं। आ इंडिया से जाइब रहुआ। हम जाके का करब, हमरा अंग्रेजी बोले के सहुरे ना। इंडिया से कला संस्कृति विभाग की टीम जाता। रउआ चिंता करे की कोनो जरूरत नहीं है। भूली मत कि अब रउआ बैजू नहीं की, बैजू महाराज बानी। तू तो नाम ले लू हमार। सॉरी आज के निकल गेल खुशी में। कोनो बात ना, हमरा के अच्छा लगल। अच्छा एगो बात बताओ, हम लंदन चल जाए तू यहाँ अकेले रहो? तू चला लंदन आश्रम के संभाली और हम अकेले कहाँ बानी?
हमार घर बा सास ससुर ननद सब बाड़े। आज न तो कल उनके लगे जाए के रहे, अब सही समय आ गेल बा आपन गृह प्रवेश के। बाबूजी ना स्वीकार करिए उनके। हमरा तो करी है नू स्वीकार। रची रची जीवना हम अपने बनाइब, रची रची जीवना हम अपने बनाइब, बिनिया डोला के दुलार से जेवाइब, बिनिया डोला के दुलार से जेवाइब, तल फल जवनिया के हो, तल फल जवनिया के तनिका जोगा के, सवेरे के सवेरे के गाड़ी से चल जाई हा राजा, सवेरे के गाड़ी से चल जाई हा राजा, तनिक भर बोल बतियाल मोर राजा, तनिक भर बोल बतियाल मोर राजा। रति सैया तोर टहल बजाइब, कहब से करब ना तनिकाल जाइब, दिन रति सैया तोर टहल बजाइब, कहब से करब ना तनिकाल जाइब, छछने लगन बाके हो, छछने लगन बाके तातल जवानी कहे कहे महेंद्र से राजैब राजा, कहे महेंद्र से राजैब राजा, तनिक भर बोल बतियाल मोर राजा, होते पराते होते पराते चल जाई हो मोर राजा, तनिक भर बोल बतियाल 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 मोर राजा। माई माई, अरे माई माई माई, देखा ना अखबार में कहाँ निकलल बा? देखी बाबूजी, राउर बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गए बाटे। अच्छा, पढ़ा कहाँ लिखल बा?
लिखल बा, एक पिछड़ा गांव का गरीब लड़का बैजू का बैजू महाराज बनने का सच। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैजू महाराज आज लंदन के लिए रवाना। लंदन? बिहार प्रदेश के एक छोटे से गांव मच्छरियावा का एक गरीब लड़का बैजू अपनी कला के दम पे आज लंदन तक का सफर करने में कामयाब हो गया है। बैजू महाराज लंदन में लोक कला महोत्सव में भाग लेने के बाद कई कार्यक्रमों में शरीक होंगे। पटना एयरपोर्ट में पत्रकारों के संग बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनका यह विदेश दौरा लंदन के बाद अमेरिका और यूरोप के कई अन्य देशों में भी जारी रहेगा। हमारे पटना संवाददाता के पूछने पर उन्होंने बताया कि यह पल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक पहुँचने का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और गुरु व्यास जी महाराज को दिया। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी झुमरी देवी का आभार जताया जिसके प्रयास से आज वो विदेश में अपनी धरती से जुड़े कला का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देख ले लो, सुनाई देलस कि ना है? तोर महाराज बिहा करके आपन घर बसा लीलन, बाकी तारा याद करे के समय ना मिलल उनका। और तू पढ़ ले लू, बड़ा प्रेम रहा है भाई बहन मा, हाँ? हो गई दिल का तसल्ली, पूरा हो गई सपना बहुली आवे के। हमार तो सपना तब पूरा हो ही जब आरती उतार के बहू के घर ढुकाई करा। तो कर लीना अपना सपना पूरा अम्मा जी। पहुंची चंदा, रुका। पहले आरती तो उतार ले विदा, जा लोटा भर के चावल ले आ। जा लावती माई। रखा हाँ। भीतर आई। रुका, बहू के पांव ही घर में एक ही शर्त में पड़ी, चाहे कुछ हुआ हो जाए बहू ये घर छोड़ के कबहू न जाई। खुश रहो। तो ना पोतो फला, बस 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 आवा भीतर आवा। चली भौजी। अरे सारी, अरे एक बात पूछे के बाब, रवा के भौजी कहे कि भाभी कुछ हो जॉन तारा के नीक लागे। भौजी बुलावे में अपनापन ज्यादा लागेला, भाभी तनी बाकी हम ना रवा के देखे तनी कंफ्यूज आ गेल बानी। भौजी रउआ बहुत निम्मन बानी, एकदम ही घर के सदस्य लागे नी। काश बैजू भैया भी आयतन रउआ संगे।
अरे आ जाई है, जरूर आई है, आपकी विदेश से लवट के यही जे आई है। बहुत दुखी रहन तोहरा याद करके, हमेशा तोहरे बारे में सोचत रहत रहन। उनका बहुत सदमा लागल रहे जब तोहार बारात लवट गई रहे। सब किस्सा सुनवले रहन, तबे से हमार मन करत रहे कि कैसे जल्दी से आके हम सब केहू से मिली। बाकी उनकरो जीद रहे कि पहले कछु बन जाई तभी घरे वापस लौटब। अरे अब कतना बनी है, अतना बड़ तो बन गई लन। अरे अम्मा जी, अम्मा जी। हाँ? रवा खुश नहीं की हमरा एला से? अरे अरे ऐसन कौनो बात ना हा बिटिया, हम कहे ना खुश रहा, हम तो बहुते खुश बानी। हाँ अगर तू भैजुआ के संगे आई तू तौरी बेसी खुश होती, पर कौनो बात नहीं, हम बहुत खुश बानी। हे चंदा, चंदा आज बाबूजी निकलत नहीं खन घरवा से, तनी जाके पूछा था कि का बात बा। माई हमरा डर लगता, हम ना जाए, पता नहीं का बोली है। का है हमारा वैसे उनका की कोनो तकलीफ बा का? नहीं अम्मा जी, कही तो हम पूछ ली ही। अरे बैजू, बैजू, बाबूजी, उएजा कहाँ बड़े? प्रेम की नाव कुदाव पसी मन मोर मला सलाह कहाँ है, अवसर था सो छूट गया, जल आवत जात न जोर रहा है। उम्र न देतनी उमगे सखी, जोवन के धन जात कहाँ है। कहे महेंद्र लाज तजो सखी,
जब प्रेम कियो तब लाज कहाँ है। धन नक तक तक धाती तक तीन नक नक तक घिना के घिना धाती तक तीन नक नक तक 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 धान तक धान धा 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 मन के गोद नहरी काना चल जावा रहेली हो राधा गौवा में घूम के कहे नंद के ललनवा केहू गोदवाई का गोदनवा राधा जी सुन के बोली अपने के बढ़िया खोली आवा गोद नहरी आवा आवा गोद नहरी आवा कि आवा गोद नहरी आवा आवा गोद नहरी आवा हमारे हो अंगनवा हम गोदवाई बहु गोदनवा जब जनली सखिया कहले कन्हैया रसिया भेद जब जनली सखिया कहले कन्हैया रसिया तुहरे कारण हम भैली तुहरे कारण हम भैली के तोरे कारण हम भैली तोरे कारण हम भैली मरद से जननवा tani godava la ho godanava हम सच कहा था नहीं ब्याह टूटे के सबसे ज्यादा दुख हमरे के भल रहे वो दिन पता ना का भल रहे बाबूजी के हम हूं ना समझा पाई नहीं बैजू भैया बहुत समझौले उनका पर ऊ बेरा ना जाने उनकर मन में का सवार रहे बैजू भैया की गिड़गिड़ावत देख के हमरा के बहुत बुरा लगत रहे तबे हम सोच लेने की चाहे कुछ हो जाए ब्याह हम चंदा से ही करब रोगा से हमार निहोरा बा कि हमरा के माफ कर दी ही और ये हमने के ब्याह खातिर हाँ कह दी ही यदि ये ब्याह ना भइल तो ये कलंक हम ना सह पाए
हाँ कर दी ब्याह खातिर। हमनी के हाँ कैले से का होई? मास्टर साहब के मंजूर होई का ई ब्याह? हमार बात हो गई बा उनकरा से। उनकरा अपन कैला पे बहुते पछतावा बा, बस यही कारण उचा के भी रहुआ सामने ना आ पैलन। हम उनकरे आदेश से ही आयल बनी। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लंदन। नाइस टू मीट यू फाइनली। अच्छा आपको हमारा लंदन कैसा लगा? अरे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हूँ। वो क्या है ना, मेरी मॉम भी इंडियन है और वो बिहार से हैं। स्पेशली आज यहाँ आपसे मिलने आई है मॉम। दिस इज बैजू महाराज आई वाज टॉकिंग अबाउट। नमस्ते नमस्ते। इकाहन बाबू की रोवा से हमारे एगो विनती बा कि आज रात के भोजन हमने के साथ है हमारा घर पर करें। अरे बाप रे, लंदन में इतना खाटी भोजपुरी। हम सपनों में ना सोच ले रहे कि लंदन में क्यों इतना खाटी भोजपुरी बोली। अरे रउआ जब इतना बढ़िया भोजपुरी बोलता नहीं तो देसी पकवान भी बढ़िया बनाओ तो कब। एकदम खाटी बिहारी। अरे तब तो हम जरूर आए। पहुंची का भाई, इतना देरी तक ने रहुआ जागल बानी, केकरा फोन लगाते नहीं आधी रात के। अच्छा तो भैया से बात हो रही बाप। फोन उठाइयान तबेनु बात करब। बहुत अच्छा खाना बनल बा जी। हम तो सोचलो न रही कि लंदन में इतना बढ़िया देसी खाना खाए के मिली। रउआ से मिल के रउआ बारे में सब कुछ जान के हमरा बहुत अच्छा लगल। कहे कि भारत से बहुत सारा कलाकार आवेलन और सबका से मिले खातिर हम जरूर जाइला। बाकी पहला मौका बा कि रउआ साथे बैठ के एक साथ है हमनी के खाना खाता नहीं जा। इता हमार सौभाग्य बा जी कि यहाँ विदेश में आपके हाथ के बनल इतना स्वादिष्ट खाना खाए के मिल रहा बा। जी आप रिसीव कर सकते हैं। हेलो, कहाँ बानी रउआ? पिछला 4-5 घंटा से रउआ के फोन लगावतानी। लंदन जाके इतना बिजी हो गई नी? अरे ना, कार्यक्रम खत्म हो गया। हम आयल बानी कियारा के घरे खाना खाए। खाना खाता नी, बाद में कॉल करी लेतोगे। हेलो, भौजी का भइल? का कहलन? फिरंगी लड़की संगे खाना खाता रे। और कुछ ली ना? हाँ ठीक बा, आप लोग ली? अरे खीर तो वो नहीं रह गए, हम लेके आओ तनी। अरे आराम से खाए ना, फिर ले। ना ना लेके आओ तनी, खाए तब तक। आपको पता है हमने आपका कई जगह पे प्रोग्राम फिक्स कर दिया है। लगभग 1 महीने शेड्यूल फिक्स्ड है यहाँ इंग्लैंड में, फिर उसके बाद अमेरिका और फिर यूरोप का टूर भी हो सकता है। जैसी आपकी इच्छा। मैं तो कलाकार हूँ, बस मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करना रहता है। फुल ऑफ टैलेंट यू आर। थैंक यू। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
अभैले सुतले बानी का काबिल हो। 9 बज गए। अरे 9 वहां बजे था या सवेरे के 5 बजे था? अरे हाँ सॉरी, रउआ के जगा देनी और कॉल ना आई तो हम सोचने की हम ही फोन कर ली ही। हाँ बिजी हो गए रही, फोन ना कर बनी। अब अगला बार हमू आई संगे, फिर कुछ वो ना भूले दे, बुझाइल। हाँ ठीक बात, तैयारी कर ला, अगला बार तुम आ जिया। चंदा के ब्याह के दिन रखा गई अगला हफ्ता 7 तारीख के। का रवा जल्दी से आवे के प्लान बना ली। इतना जल्दी? अरे तू तो हमके यहाँ फंसा दे ले बाड़ू, लगातार यहाँ प्रोग्राम होता, अभी लोग पता ना कहाँ कहाँ के प्रोग्राम बुकिंग कर ले बा। इतना इतना जल्दी हम कैसे आ पाए? आवे के तो पड़ी, बहिन के ब्याह बा। बात करी वो इवेंट वाली कियारा से? आप ऐसे कैसे जा सकते हो? अभी तो आपको और भी शोज करने हैं। और यू नो ये शादी का क्या है, आप नहीं भी जाओगे तो हो जाएगी ना, आप बाद में जाके उनसे मिल सकते हो। आप लकी हो कि आपको पहली बार में इतने सारे शोज मिल रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। एक कलाकार को अपनी कला से प्यार होना चाहिए। बाकी द शो मस्ट गो ऑन। बदल गए बाड़े भैया आप, बहुत बड़े महाराज बन गए लन्ना। इतना मानत रहन हमरा और हमरे ब्याह में ना आए बोची, उनका बिना ये ब्याह कैसन लागी? तू चिंता जन कर, वो कोशिश कर रहल बाड़े, हम उनकरा से एक बेरी औरी बात करब। ओची रवा केहू तरी उनका के आवे के कही, हुन आए हन तो एक गांव का लोग का सोचिए। जनी रुआ पिया कहले बहरा नाश्ता पानी देख लिया हो? ठीक बा जा। आ प्रणाम। बधाई हो किसान भाई रघुआ। अरे आई आई आई। घर तो एकदम झिलमिलाता। हाँ वो सुनिए, बैजू महाराज ना पहन शादी में? वो कहे कि कोशिश तो बहुत कैलस लेकिन विदेश के प्रोग्राम तो थोड़ा मुश्किल। नमस्ते बेटा, आवा आवा।
बारात आ गई बा। संजुआ बतावत रहे कि बहुत सारा गाड़ी आवत आ। हाँ चला 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 कर देखी जाए। जल्दी करा। हाँ चला चला। ना एहन भैया नू। मन बहुत दुखी बा हमार। भैया से उम्मीद ना रहे। वो तो कहत रहन कि चंदा के ब्याह खूब धूमधाम से कर और अपने ना आइलन बदल गए पारे भैया। शायद तू ठीक कह ताड़ू। बैजू भैया आ गए लन। बैजू भैया आ गए लन। हम देख क्या बतानी। भाई बता आई ना। अरे जान देवे ला तारा पर। अब खुश किया रहे। हाय। ओ, ओके। नमस्ते। 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 अरे बगले, तू ऐसा सोच भी कैसे ले लो कि तुहार भैया तुहरे शादी में ना आई है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हम तुहरे शादी में आई थी ये कभी ना हो सके। हाँ। अच्छा सुना, ये आंसू ना बचा के रखा, कहीं विदाई के टाइम पे ना निकली ना, बहुत बेइज्जती हुई भैया। बाबूजी कहाँ बाड़े? कोनो गलती हो गई होके तो माफ कर दी मास्टर साहब। अब बारात निकाले के निमंत्रण स्वीकार करी। किशन जी, बेटा के जिद पे हम बारात एजा तक तो ले आई नहीं, बाकी द्वार पे तो बारात तभी आई जब हमार मांग पूरा हुई। मास्टर साहब, हमरा से जौन बन पड़ी हम सब पूरा कर दे। बारात आवे के बाद अचानक कुछ वो मांगल ठीक नहीं खे। ना किशन जी, हमार मांग तो पूरा करा ही के पड़ी, ना तो बारात एजा से टस से मस ना होई। ऐसन कौन मांग बा रौरा, का चाहिए? बस एके गो मांग बा, एके गो। बियाह के पहले बैजू महाराज के एगो कार्यक्रम हो जाए बस। रोहा अगर कही तो हम अपना से जा करके बैजू महाराज से निवेदन करे के चाह। अरे एकर कौनो जरूरत नहीं थे, हम जाके बैजू से बोलत हैं। हो गैलू रवा लोग के मन के मुराद पूरा। अब तो हम अपन कर्जा माफ समझे नो। उतरल अजोरिया बचह कत अटरिया।
गमकत फुलवरिया जनकपुर नगरिया दुल्हा के लटकल कन्हावर कमरिया ले अदुलहिन के शोभत बा ई लाली चुनरिया जनकपुर आज उतरल बा सियावर राम के सेहरा जनकपुर आज उतरल बा सियावर राम के सेहरा जनकपुर आज उतरल बा सियावर राम के सेहरा सियावर राम के सेहरा सियानिर खेजरो खेसे सियानिर खेजरो खेसे प्रीतम श्री राम के सेहरा जनकपुर आज उतरल बा सियावर राम के सेहरा महल में सज गई कोहबर गूंजे लगीत मंगल के गूंजे लगीत मंगल के महल में सज गई कोहबर गूंजेला गीत मंगल के गूंजेला गीत मंगल के दुल्हन वर माल में गुथली दुल्हन जे माल में गुथली दूल्हे के नाम के चेहरा ए बैजू महाराज एक बात तो बा भाई कि तहरा जैसा लौंडा नाच केहू न कर सकेला अरे तनी हमरो मजा दे दा भाई आबा तनी सोधा के नाचा आबा नीचे आबा अरे आन रे अरे आई बे आबा बैजू रुक जा बैजू रुक जा जेकरा कला के कदर नहीं खे ओकरा सोझा नाच के आपन और आपन कला के अपमान मत करा ए किशन अरे महाराज जी होई दुनिया खातिर हमने खातिर तो ये लौंडा नाच के नचनिया ही है ना रे पीछे हट जा बैजू ऐ किसान ये अगर पीछे हटी ना तो फिर मास्टर साहब का कर्जा ना चुकी और मास्टर साहब का कर्जा ना चुकी ना तो दुल्हा मंडप पर ना पहुंचे समझ ले कि समझाई का रे बैजू तहार बाप जिंदगी भर गलती कैलस हम गलती कैनी तहरा के संगीत से दूर रखनी हम गलती कैनी तहरा के नाचे से मना कैनी हम गलती कैनी तहरा से नाता तोड़ के ताकि चंदा के ब्याह हो जाए आज तू हमार आंख खोल देला बेटा अब चाहे जौन हो जाए तू मंच के मर्यादा मत लांगिहा एखनी जैसे नराधम लोगन के सोझा तू ना नाचिहा अरे तू कोई ऐरा गहरा नचनिया नहीं खेरे तू हमार बेटा एगो सच्चा कलाकार बैजू महाराज बाड़े रे महाराज बोल ना ना जा ना भाऊजी हमके मत रोकी हम अपना बहन से वादा कर ले रहे कि ओकर शादी बहुत धूमधाम से कराए और आज अगर हमरा बहन की शादी धूमधाम से होता तब ओके दी भाऊजी पहले भी नाचत रही आज एक बार और नाचब अगर हमार पैर थिरकला से केहू के कर्जा उतरा था
तैयो ने काम कर लेवे दी बाबूजी। अरे बैजू महाराज जी, हमरा आवे से पहले ही कार्यक्रम शुरू कर देनी, तनी हमार इंतजार कर लेती। शुरू तो कर देनी पर मंच के नीचे का करत आनी। ओ भैया जी और ललन। महाराज जी अब कृपा करके कार्यक्रम फिर शुरू करी। और हां, नाच फिर से मंचे पर होके। का भैया जी? हाँ। आगहू ध्यान राखब, बैजू महाराज ई गावे के नाम पूरे देश के नाम रोशन कहले बारे। चली आए, कला के आनंद लेहल जाओ। आई आई बैठी ललन। चलो मिलत दिल तू अनजाना, खुशी के पुल पर सतबा, खुशी के पुल पर सतबा। मिलत दिल दोनों अनजाना, खुशी के पुल पर सतबा, गगन से पुल पर सतबा। आशीष सब देत बा युग युग, आशीष सब देत बा युग युग, खिले श्री राम के सेहरा। आशीष सब देत बा युग युग, खिले श्री राम के सेहरा। जनकपुर आज उतरल बासियावर, 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 राम के सेहरा। जनकपुर आज उतरल कहले रहनी ना, तोर बिया बहुत धूमधाम से कराई। बहिनी के उरे ठी बोले बोले हा, जानी भैया हो। बहिनी चेरैया के सा
बहिनी चे रैया के समाना हो भैया। सुना? ये सब कपड़ा ना हमारे बैग में पैक कर दो। और हाँ, थोड़ा माई से कहिया कि एक डब्बा भेली रख दी और थोड़ा सा घी रखवा दिया और सत्तू भी रखवा दिया। वहां विदेश में घर के खाना की बहुत याद आवेला। कब जाए के बार हुआ? काले जाए के बार। यहां से पटना, पटना से दिल्ली और फिर दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट बा न्यूयॉर्क के। बताइले तो रही कि कितना मुश्किल से आवतानी शादी में। और क्यारा बतावत रही है कि ये बार अमेरिका के प्रोग्राम लागल बा। और सुन ले बानी कि अमेरिका और सुंदर देश बा। प्रोग्राम बहुत लंबा चली, कहे कि प्रोग्राम की एडवांस बुकिंग हो गई बा। हमू सामान सरिया ले ले रही, याद बाकी ना ई बेरा साथ ही जाए वाला रही हम दोनों। ई देखी पासपोर्टो बनवा ले ले बानी हम। जब से आई बानी एको बेरा ठीक से बतियाईले नहीं की हमरा से, एको बेरा पूछ लहू नहीं की कि हमार मन में का चलता। ई देखी बीजो लग गई रहे लंदन के। हम बात कहले नहीं क्यारा से। क्यारा बतावत रही है कि लंदन के बीजा लाग गेल बा, लेकिन अमेरिका के बीजा लागल इतना आसान नहीं। हमार खुद स्पेशल केस में बीजा लागल। स्पेशल केस? स्पेशल केस में पूरा टीम के लाग गई? एगो और ही बीजा ना लाग सकत रहे का? आ रहुआ एको बेर बताई नहीं ना कि रहुआ के लंदन ना अमेरिका जाए के बा। हमारा के खुद आवत घरी बतौली है कि यारा। कौनो बात ना, हम के यारा से रिक्वेस्ट के लिए बने तो हर भी अमेरिका के बीजा लगवा दिए। जब बीजा लग जी तो तू आ जाइया। ठीक बा, हमरा और कपड़ा पैक कर दे। बीजा लगते ही आ जाइया। चल के बुला दा पूरे पूरे उठ
पश्चिम गए से पूर्व गई ने रामा पश्चिम गए से कहता हूँ न मिले भी सहरिया रे न नदी राजा भैया के बोला दा तड़पे लदहिया जैसे जल बिनु मछरी यारे जल बिनु मछरी यारे अरे गानी के काट भइल सजर यारे न नदी दिया राजा गादा आंगुर में डसले दिया नगिनी यारे न नदी दिया राजा राजा आंगुर में डसले दिया नगिनी यारे दिया राजा गादा पोरे पोरे उठेला लहरिया रे न नदी भैया के बुलादा फूक मंतर अब ताजे अब जब उह दी है जंतर बांधिली है हमारी नजरिया रे न नदी दिया राजा राजा अंगुर में डस ले दिया नगिनिया रे ले बिया नगिनिया रे न नदी दिया राजा राजा ओहर पोर उठेला लहरिया रे न नदी दिया